नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर स्वागत है। मैं प्रीति शंकर एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामले घटे। बीते 24 घंटे में 30,000 नए केस, 422 लोगों की गई जान। भारतीय टीम सेमीफाइनल में हारी, गोल्ड का सपना टूटा, कांस्य पदक का मौका बरकरार। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से की बात, अगले गेम के लिए शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान बिहार समेत कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। यूपी में जल्द होगा कर्मचारियों का 11% बड़े डीए का भुगतान, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा प्रस्ताव। फिर दिल्ली दिल्ली 9 साल की बच्ची का जबरन अंतिम संस्कार, पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे चंद्रशेखर आजाद। पंजाब में सरकार का बड़ा फैसला, कृषि भूमि और लाल लकीर क्षेत्र में भी लग सकेंगे उद्योग। नई पहल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की वेब चैनल रंगला पंजाब की शुरुआत, युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। ऋषिकेश में आज से शुरू होगा कांग्रेस का मंथन शिविर, जुटेंगे कई दिग्गज नेता। सीएम योगी राज में फर्जीवाड़ा, बेटी नहीं थी फिर भी भेज दिया शादी अनुदान, समाज कल्याण विभाग की कारस्तानी। पंजाब में रणजीत सागर डैम की झील में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, बचाव कार्य जारी। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए उपलब्ध रहेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर, बीसीसीआई ने की पुष्टि। राहुल गांधी ने दौड़ाई एकजुटता की साइकिल, विपक्ष से अपील, एक रहेंगे तो नहीं दबा पाएंगे और आरएसएस और बीजेपी। टोक्यो ओलंपिक में मेष हॉकी टीम की हार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का विवादित बयान, कहा भारत का प्रदर्शन दरिद्र जैसा। 1 अगस्त तक तैयार होगी ग्राम पंचायत में सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की मेरिट। दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र ने ठुकराया, आज कैबिनेट मीटिंग में उठाया जा सकता है मामला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुरथू के नजदीक चौपर क्रैश, 5 से 6 लोग थे सवार। चीन के वुहान में 1 साल बाद फिर कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप, अब हर नागरिकों की होगी। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करें।